वाह एडिटिंग करने वालों, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। सलाम करती हूँ तुम लोगों को। क्या एडिटिंग करते हो आप लोग, हाथ नहीं कंपे, दिल नहीं डरा, आंखों में शर्म नहीं आई कि किस गंदी लड़कियों को आप मेरे साथ जोड़ रहे हैं। आज मैं उस लड़की का असल चेहरा, उसकी सारी हकीकत अपनी YouTube वीडियो पर साथ मेंशन करूंगी, दिखाऊंगी कि वो असल लड़की कौन है और किस लड़कियों के साथ आप लोग मुझे जोड़ रहे हो। खुदारा खुदा की बारगाह में शामिल होना है आप लोगों को, पेश होना है आप लोगों को, खुद तो खुदा का खौफ करो। मैं वहाँ पे कोई फहाश कपड़े नहीं पहन कर गई थी, मैंने आज तक कोई फहाश वीडियो नहीं बनाई, वल्गर कपड़े नहीं पहने, मैं एक प्रॉपर ड्रेस में थी। मैंने 14 अगस्त के लिए न्यू ड्रेस सिलवाया था, मेरे देखने से पहले सब कुछ मेरा उतार लिया गया। ए वीडियो हाथ बनाने आशा करम आते और फेम लैन की खातर और सब कोई कारी टोपी ड्रामे कारी है और हम टीवी च बयान किया आया, पुलिस ने क्या आप मजीद कार्रवाई ना करें, मैं फेमस जेड़े होना थी मैं हो गई हाँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बहुत सारी आप बातें सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे आवाम की सुनी सुनाई बातें, आप सुन के तो उन पे ही अमल किए जा रहे हैं। सच बात, आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपनी ही सफाई पेश करूं। ये कहां पर लिखा हुआ है कि विक्टिम ब्लेमिंग करे, क्या आप लोगों को सच नहीं पता? आप वीडियोस जिन लोगों ने देखी हैं, वीडियोस में साफ क्लियर हर चीज दिखाई दे रही है, आखिर कब तक ये विक्टिम ब्लेमिंग चलती रहेगी? और मैंने अगर फेम ने ना होता तो 14 अगस्त के बाद ही मेरी FIR कटती, 14 अगस्त के बाद ही मेरा केस कंटिन्यू होता और 14 अगस्त के बाद मेरी वीडियोस अपडेट होना शुरू हो जाती, लेकिन आज आप लोगों ने मेरे इस टूटे हुए दिल को मजबूर कर दिया। और प्लीज आप सच का साथ दें, हम अपडेट देंगे YouTube चैनल पे आशा बेग ऑफिशियल पे और सच का साथ दें। हमें हमारा जो है आज बहुत ज्यादा तकलीफ में है और उसे शूट करने में मसला आ रहा है क्योंकि वो नीचे ऊपर होते हुए। बाकी कोई नहीं, खैर है, अभी जाओ भाई,